तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक गमला। जो फ्रेंड छोटा हमने गमला बनाया हुआ है जो 5 रुपए की लागत से बन जाता है। तो फ्रेंड ये गमला बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप यूट्यूब वीडियो पूरा देखेंगे तो गमला बनाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं ये गमला कैसे बनता है। तो दोस्तों सिंपली से आपको वॉल पुट्टी लेनी है, जो हमने काफ़ी दिन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं वॉल पुट्टी के ऊपर ही बेस पे बना रहे। तो फ्रेंड वॉल पुट्टी को लेनी है फ्रेंड, काफ़ी बढ़िया पानी डाल के उसको मिक्स कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिक्स करना है, हम आपसे बार बार कहते हैं काफ़ी उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमने मिक्स कर रहे हैं पानी डाल के। फ्रेंड सूख गया तो इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा हमें, जिससे ये काफ़ी बढ़िया मिक्स हो जाएगा, थोड़ा ये लिक्विड शेप में आ जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 5 रुपए का ये गमला बन जाता है सिंपली से। आप अपने घर पे बना के इसको ऑफिस में हो गया, अपने रूम में हो गया, अपने बालकनी में रख के डेकोरेशन कर सकते हैं अपने रूम बालकनी या ऑफिस के। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने काफ़ी मेहनत लगाया इसमें वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो लिक्विड वाला मटेरियल है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह 5 रुपए का मार्केट में डब्बा मिल जाएगा, नहीं तो आपको घर पे अवेलेबल होगा ये डब्बा, तो आप उसे का यूज़ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जो मटेरियल था हमने सिंपली से थोड़ा सा नीचे अंदर गिरा दिया वो डब्बे में, देख सकते हैं दोस्तों हमने सिंपली से उसमें गिरा दिया है। उसके बाद फ्रेंड आपको थोड़ा ठोकना पड़ेगा डब्बे को ज़मीन में, तो हमारा मटेरियल है एकदम स्पेस एकदम काफ़ी फिट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आप कोई भी डब्बा लेना है, जिसने जितना बड़ा डब्बा फ्रेंड आपको गमले का अंदर का ढांचा बनाना है उतना बड़ा डब्बा आपको लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे पास छोटा सा केन था, उसी का हमने यूज़ किया हुआ। आप चाहे तो सूरती का डब्बा या तो कॉक का केन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद आपको अपने बीच वाले केन को पकड़ के डब्बा को पकड़ के किनारे किनारे मटेरियल को सारे काफ़ी अच्छी तरीके से भर देना है। देख सकते हैं दोस्तों हमने काफ़ी बढ़िया है इसको भर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही आपको बनाना आ जाएगा फ्रेंड, बहुत इजी बनाना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमने काफ़ी बढ़िया भरा है इसमें, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ हमारा जो स्पेस खाली हो। तो फ्रेंड ऐसे ही कुछ इस तरह आपको भर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको करीब 2 या 3 घंटे इसको रख देना है सूखने के लिए, ऐसे टेक लगा के बीचों बीच सेंटर में रख के। फ्रेंड याद रहे आपको हिलना नहीं चाहिए इसको, बीच वाला पोर्शन हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हिलेगा तो आपका गमला टेढ़ा वेढ़ा अंदर से बन जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इसको 2 से 3 घंटे सूखने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अब सूख गया है, अब इसको बीच वाला अपना केन निकालना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी आसानी से निकल जाता है क्योंकि केन बहुत चिकना होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह एकदम स्मूथ आया। तो फ्रेंड ऊपर वाला तो निकल नहीं रहा है, हम क्या करेंगे इसको किसी चीज़ की मदद से या ब्लेड या चाकू या कैंची की तरह से काटेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर वाला जो प्लास्टिक का डब्बा था उसको हमने चाकू की मदद से उसको कट करके निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमें पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा ये गमला कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता करना है, नहीं तो फ्रेंड आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आपके गमले पे जो स्क्रैच आ सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं आहिस्ता, फ्रेंड देख सकते हैं उसके बाद हमारा जो कट हो चुका था और हम प्लास्टिक वाले डब्बे को बाहर से सिंपली से निकाल देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं गमले की सर, तो फ्रेंड आपका स्ट्रक्चर गमले का देख सकते हैं एकदम क्लीन आया हुआ है नीचे से। तो फ्रेंड थोड़ा ऊपर से रफ आया हुआ क्योंकि ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ था ढांचा। तो फ्रेंड देख सकते हैं बल्कि नीचे और जो बीच का एकदम स्ट्रक्चर बीच का अंदर का बहुत बढ़िया आया। तो फ्रेंड ऊपर का जो आया हुआ उसको फिनिशिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो सैंड पेपर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम एंगल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं इसको फिनिशिंग करने में। फ्रेंड अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फिनिशिंग के बाद कुछ इस तरह एकदम फिनिश हमारा गमला छोटा सा दिख रहा है। तो फ्रेंड ये हमने गमला सिर्फ 5 रुपये में बनाया है। दोस्तों आप भी घर पर बना के अपने घर को सजा सकते हैं। चलिए फ्रेंड आप पेड़ लगाते हैं इसमें। तो फ्रेंड थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेड़ लगाना जानते हो, थोड़ा सा हमने नीचे मिट्टी रखी हुई है। उसके बाद फ्रेंड हमने कुछ प्लांट्स लिए हुए हैं, प्लांट को डंठे को नीचे से छिल लिया हुआ है। छिलने के बाद फ्रेंड्स अब सारे जो डंठल है उसको काफ़ी मिट्टी में गड़ा देंगे। फ्रेंड मिट्टी गड़ाने के बाद ऊपर से हमें मिट्टी डालना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी कम है। तो फ्रेंड देख सकते हो ऊपर से मिट्टी डालने के बाद कुछ हमारा गमला ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।